हेलो नमस्ते। और आपका दोस्त यार भाई समझो यार। और देखो भाई, बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन दबा देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि यार बहुत मेहनत से बनाता हूँ वीडियो यार। तुम लाइक नहीं कमेंट नहीं करते यार, बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। कोई भी नहीं यार भाई, देखो मज़ा से देखो यार, सीखो, कुछ सीखने आए हो लाइफ में यार, सीखो क्या लेना है क्या जाना है यार। सब्सक्राइब कर दो क्या, एक छोटी सी हेल्प से हमारा आपका भाई चलो को हौसला बढ़े। इच्छा भी हुआ, इच्छा भी को यहाँ पर इधर कैमरा देखो भाई है, इधर इधर ऐसे लगाना है, लगाने के बाद ऐसे स्टार्ट करना है। अब वहाँ पे देखना है न्यूटन है कि नहीं। एक यहाँ पे बत्ती जलेगा जब न्यूटन करोगे, ऐसे गियर गियर को ऐसे चेंज करना है। यहाँ पे न्यूटन न्यूटन होगा ऐसे। यहाँ पे हमारा बैटरी थोड़ा कमज़ोर है इसीलिए नहीं दिखा रहा है, पर यहाँ पे न्यूटन दिखाएगा। न्यूटन दिखा, हरा बत्ती। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको अपना पोजीशन लेना है। पोजीशन लेने के बाद देखना है कि नीचे स्टैंड नीचे है या ऊपर। अगर नीचे होगा तो ऊपर कर देना है, और उसके बाद अपना पोजीशन लेना है। और नेट में जा रहे हो तो पहले लाइट चेक कर लेना, क्योंकि प्रॉब्लम आता है। और उसके बाद सेल्फ से स्टार्ट करना है, सेल्फ से स्टार्ट करना है। नहीं तो सेल्फ नहीं है तो फिर किक से भी स्टार्ट कर सकते हो। अगर किक मार रहे हो तो सबसे पहले न्यूटन देखना है। नहीं, अगर गियर में है तो क्लच लेके भी स्टार्ट हो सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है। और अगर सेल्फ नहीं काम कर रहा है तो न्यूटन चेक कर लेना, उसके बाद ऐसे स्टार्ट करके और अपना ड्राइविंग ऐसे स्टार्ट करके तोड़ना है। ऐसे आगे इसमें आगे लगता है, किसी में पीछे भी लगता है, किसी में ऊपर भी लगता है। ऐसे तोड़ के और स्टार्ट किया, ठीक है। स्टार्ट करने के बाद कैसे मूव कैसे करना है, कैसे ज़्यादा एक्सीलेटर ले लेते हैं उसके बाद बंद हो जाते हैं, काफ़ी सारा प्रॉब्लम आता है इसीलिए स्टार्ट करके जैसे जैसे क्लॉच छोड़ेंगे ऐसे ऐसे एक्सीलेटर देना, एक्सीलेटर ऐसे ऐसे दबाना है। क्योंकि ज़्यादा दबाने से आपका मूवमेंट में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है और एक्सीडेंट होने के चांस रहते हैं, इसीलिए जैसे जैसे मूव करेंगे वैसे वैसे अपना क्लॉच छोड़ना है, और उसके बाद अपना राइडिंग करना है।